मनदीप खटाखट खबरों की करेंगे शुरुआत, पर उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। जमीन विवाद को लेकर हत्या की गई है, एक ही परिवार के दो पक्षों में विवाद हुआ और एक पक्ष के तीन लोगों की मौत हो गई तो चार लोग घायल हो गए। मृतक में एक बच्चा, एक महिला और एक किशोरी शामिल है। मृतकों के नाम जागृति, टीना और साथ ही मनीष कुमार बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया, जिससे एक बच्चा, एक महिला और एक किशोरी की मौत हो गई है। आपको बता दें कि एक ही परिवार के दो पक्षों में यह विवाद हुआ है और पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और लगातार मामले की जांच की जा रही है। अब इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता रेखराज साहू जुड़ गया है। रेखराज, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? जुड़वा गांव से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बात करें अगर जिला मुख्यालय महासमुंद से 17 किलोमीटर दूर जोबा गांव में आज सुबह तीन लोगों की हत्या का मामला सामने आया है, वही चार अन्य घायल की सूचना जो है मिल रही है। घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया, जहां प्राथमिक उपचार जारी है और गंभीर स्थिति को देखते हुए चारों लोगों को रायपुर रिफर करने की बात कर रही है। पूरा मामला जो है जोबा गांव का है, जहां आज सुबह ग्रामीण नींद से जागे तो लहूलुहान पड़े लोगों को देखा गया और पुलिस को इसकी सूचना दिया गया। मामला जो है पारिवारिक जमीन विवाद को लेकर है और इसी जमीन विवाद पर जो है हत्या की वारदात हुई है, जिसमें तीन लोगों को मौत के घाट उतार दिया है और परिवार के ही चार लोग जो है घायल है। बात करें अगर मृतकों की तो मृतक में एक बच्चा, एक महिला और एक किशोरी शामिल है। मृतकों के नाम जो है रेखराज, किस तरह से हत्या की गई है और इस जब विवाद हुआ था उसमें कौन कौन शामिल था, इस बात का अभी तक खुलासा हो पाया है? ये जो मामला है ये पुराने जो है जमीन विवाद को लेकर है। इसमें जो आरोपी है वो पिता पुत्र है और पारिवारिक जो है रिश्तेदारी में आता है और फरसा जो है एक धारदार हथियार होता है। इसमें जो है तीनों को जो है गले में रेत करके जो है मौत के घाट उतारा है। आरोपी जो है पिता पुत्र ही है, उसके पारिवारिक रिश्तेदार ही है जी। और पुलिस द्वारा किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों की हिरासत में लिया है और जांच आगे भी जारी है और कार्यवाही में जुटी हुई है तुमगांव पुलिस जो है। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया रेखराज आपका।